हाई दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। आपको एग्जैक्ट मेरा रूटीन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले समझना है आपका क्रोनोटाइप, मतलब आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली कितने बजे सोना चाहती है। सबसे पहला क्रोनोटाइप है सूरज से पहले उठने वाले लोग। अब ये वही आपके टिपिकल मॉर्निंग पर्सन जो होते हैं, जो सुबह उठते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं पूरा दिन, लेकिन रात तक इतनी कम एनर्जी हो जाती है कि किसी पार्टी वार्टी में एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरा क्रोनोटाइप है जो सन के साथ उठते हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोग यही होते हैं भाई, जिनकी सुबह नौकरी होनी होती है 9 to 5 टाइप की, वो तभी 8 बजे 8:30 बजे टाइप उठ जाते हैं और रात को भी ठीक ठाक टाइम पे सो जाते हैं। और तीसरा क्रोनोटाइप है उल्लू, मतलब नाइट आउल, जो कि बेसिकली रात को ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, पूरी रात जागते हैं तब काम वगैरह करते हैं। और फिर एक्चुअली एक चौथा क्रोनोटाइप भी होता है जिसको मैं बोलूंगा, मतलब जैसे चौकीदार होते हैं ना जो सोते सोते भी जाग रहे होते हैं, वैसे मतलब बेसिकली जिन लोगों को रात को नींद ही नहीं आती, जिनको कभी नींद नहीं आती, मतलब सो ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन ही होती होगी वो। चलो फिर अगर आपको अपना क्रोनोटाइप पता है तो अब उसके हिसाब से पीछे जाओ कि भाई आपको ये मैथ्स लगाओ कि कितना टाइम चाहिए सोने के लिए, उस हिसाब से कितने बजे आप सोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 5 बजे ही उठना प्रेफर करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है 5 बजे उठना, तो उसमें से 8 आवर्स की स्लीप मेरा टारगेट होता है वो माइनस करूंगा, मतलब मिनिमम 7 तो चाहिए ही होता है मेरे को, तो उस हिसाब से 9 PM बनता है मेरा सोने का टाइम, जो कि मैं कर आके 9:30-10 तक। बट अगेन आपको मेरे को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रात को जागने वाले इंसान भी हो तो कुछ ऐसी गिनी चुनी स्टडीज हैं जिन्होंने ट्राई किया है प्रूव करने का कि क्रोनोटाइप जो होता है कि कितने बजे उठना आपकी बॉडी को नेचुरली पसंद है, वो चीज एवोल्यूशन का ही पार्ट है वो, मतलब क्योंकि जैसे पहले जब बहुत पहले जब आदिवासी लोग हुआ करते थे तब रात को कुछ आदमियों को जगे रहना पड़ता था सिक्योरिटी करने के लिए कि भाई कुछ अटैक वटैक ना हो जाए, तो अगर आप उनके ही वो बने होगे पूर्वज, नहीं पूर्वज का उल्टा जो भी होता है, उनकी जनरेशन से आए हो तो आपको डेफिनेटली रात को जागने में ज्यादा। बट एनीवे आप ये समझो किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ड्यूरेशन, कि कितनी देर सो रहे हो। अब मैं एग्जैक्टली 7 से 8 घंटे के बीच में सोता हूँ हर रात, बट देखो बात यह है कि यार इसकी मैं आपको साइंस भी बताऊं तो कोई डायरेक्ट कहीं पे साइंस में कोई इसकी मिली नहीं, मतलब मैक्सिमम रिसर्च जो हुई है वो कहती है कि 7 से 9 घंटे सोना बढ़िया होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से बड़े हो तो 7 से 9 घंटे की जगह 7 से 8 होगा, अगर आप छोटे हो, अगर आप टीनेजर हो, 18 ईयर से कम हो, ग्रोइंग एज है, तो डेफिनेटली आपको 8 घंटे से 9 घंटे के बीच में सोना चाहिए। एंड प्लीज वो चोदू कंटेंट में जो बोलते हैं कि नहीं एक यंग लड़के को सिर्फ 6 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे सोना चाहिए, 4.5 घंटे सोना चाहिए, स्लीपिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ, लोग भी आपके रिलेटिव्स भी आपको आके बोलेंगे, कोई टीचर्स भी आके बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे, सब मतलब साइंस के इतना अगेंस्ट है सारी चीजें, आप अपनी बॉडी की ग्रोथ खराब कर लोगे, मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा लोगे। तो भाई समझो कि ना सोना इज द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो, ये तो साइंस से प्रूवन है। बट एनीवे आपको एक फनी चीज बताता हूँ, मैंने अपने जिम के ट्रेनर से पूछा कि सर मेरे को ना बल्किंग करनी है तो कितने घंटे सोना चाहिए, 7-7.5 घंटे चलेगा, कहते ना बहुत सारा खाना खाओ और 9 से 10 घंटे सो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह, तभी बल्किंग हो सकती है। मैंने कहा अरे भाई क्या मतलब, तो मतलब मैं कर रहा हूँ जितनी भी हो रही है उतनी हो रही है, बल्किंग तो होनी रही जो भी है। बट एनीवे 2015 में अकेडमी ऑफ स्लीप साइंस और स्लीप रिसर्च सोसाइटी की एक स्टडी हुई थी जिसमें क्लियरली लिखा था कि 18 से ऊपर के लोगों को 7 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए हर रात, अगर वो नहीं सो रहे हैं तो बहुत बुरी चीजें होती हैं जैसे कि वेट गेन हो जाता है या फिर हार्ट डिजीज और डिप्रेशन भी होता है और इसका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मैं कितने घंटे सोऊं, 7 से 9 घंटे के बीच में कौन सा टाइम सेलेक्ट करूं, तो भाई इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको बस एक्सपेरिमेंट करना है कि 7 घंटे 7.5 घंटे 8 8.5 9 घंटे सो के आपको अगले दिन कैसा लग रहा है, आपका मूड हैप्पी है या नहीं है, आप प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, आपको नींद तो नहीं आ रही पूरा दिन। और भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप पागलों की तरह सोचना शुरू कर दोगे ना कि भाई मैं 8 घंटे सो रहा हूं, नहीं सो रहा इतना ये वो ये, तो भाई और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और वो स्ट्रेस की वजह से आप और नहीं सो पाओगे रात को, और मतलब कितना अजीब चीज है, इसी को स्लीप एंजाइटी कहते हैं। अब वैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल सॉल्यूशन बताता हूं, जब भी मेरे को रात को सोते टाइम एंजाइटी हो रही होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कल क्या होगा, मेरे को नींद आएगी नहीं आएगी वगैरह, मेरा सिंपल सॉल्यूशन है, सोने से पहले मैं बोलता हूं मच बेस्ट। अब तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।